तो अब हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है फैक्टर्स, मल्टीपल्स और कोएफिशिएंट। तो इन तीनों में क्या अंतर है? ऐसे फैक्टर्स को हम दो भागों में बांटेंगे, जो जनरल फैक्टर होते हैं वो, और एक प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब और जनरल फैक्टर के मतलब में अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम सीखेंगे ये जनरल फैक्टर क्या होता है। हम लोग अगर कोई भी एक टर्म लिखें, जैसे मैं 20x, तो अगर हम 20x यहाँ पर लिखेंगे तो हम इसे कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 20 × x लिख सकते हैं, या इसे 5 × 4 × x लिख सकते हैं, है ना? समझ में आया? कई तरह से इसको लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो उस केस में 20x का 20 और x दोनों फैक्टर बोला जाएगा। 5, 4 और x ये तीनों फैक्टर बोला जाएगा। समझ में आया? और हर जगह क्योंकि वन भी मौजूद है, जहाँ पे हम वन नहीं भी लिखते हैं वहाँ पर × 1 लिखा जा सकता है, तो वन भी सभी चीज़ का एक फैक्टर होता है। समझ में आया? यानी कि फैक्टर में कोई भी जब नंबर लेते हैं तो उस नंबर को कई प्रकार से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हर एक पार्ट जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा वो इसका एक फैक्टर होगा। समझ में आया? लेकिन प्राइम फैक्टर अलग है। प्राइम फैक्टर में ये अंतर है कि इसमें फैक्टर हर हालत में केवल प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है? और प्राइम फैक्टर केवल नंबर का हम लोग निकालते हैं। ये नंबर के साथ साथ एक क्या था? वेरिएबल भी था। नंबर के साथ साथ क्या था? वेरिएबल। तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं निकाला जाएगा, है ना? प्राइम फैक्टर केवल किसका निकाला जाता है? हाँ, जो प्योर नंबर होगा उसका, है ना? यहाँ पर प्योर नंबर नहीं ना है, 20 और x दोनों ना है, इसीलिए इसका प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे, इसका केवल फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर जब भी निकाला जाएगा तो नंबर का, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 24, क्या ले लेते हैं? हाँ, तो 24 को पहले करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से लगाएंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 आएगा, 2 से लगाएंगे और 3 आएगा। यानी 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन हुए? एक खुद 24 हो गया अपना फैक्टर, और एक क्या हो गया? 12 हो गया, वो भी इसका फैक्टर है। 6 हो गया, ये भी इसका फैक्टर है। 3 हो गया, ये भी इसका फैक्टर है। और 2 हो गया, वो भी फैक्टर है। देखो 24 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है ना? और 2 भी फैक्टर है, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है। हाँ, और इसमें और कुछ छूट भी रहा है, जैसे जब 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 भी फैक्टर होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 8 भी फैक्टर होगा, है ना? और कोई फैक्टर होगा? तो इस तरीका से 24 के बहुत सारे फैक्टर हुए। लेकिन अगर बोला जाएगा कि नहीं, हमें केवल प्राइम फैक्टर बताओ, क्या बताओ? प्राइम फैक्टर, है ना? क्या बोला जाएगा? प्राइम फैक्टर। तो इस सारे फैक्टर में केवल 2 और 3 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। देख लो, यहाँ पर एक 2 प्राइम नंबर से लगाया गया और एक 3, तो प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 कहलाएगा। प्राइम फैक्टर केवल क्या कहलाएगा? 2 और 3। लेकिन बाकी जितने भी नंबर जो 24 यानी 24 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सारा फैक्टर कहलाएगा। लेकिन प्राइम फैक्टर में केवल प्राइम नंबर ही आएंगे। समझ में आया?
ठीक है। अब आता है कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट और मल्टीपल क्या होगा? देखो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स हमेशा नंबर का निकाला जाता है, मतलब हम लोग 50x का मल्टीपल नहीं निकालेंगे, हम लोग कोई नंबर है जैसे मैं 24, इसका हम लोग मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो 24 का मल्टीपल कौन कौन होगा? एक 24 का मल्टीपल खुद 24 होगा, इसका एक और मल्टीपल 48 होगा, इसका एक और मल्टीपल 72 होगा, इसका एक और मल्टीपल 96 होगा। तो इस तरीका से 24, 48, 72, 96, ये टोटल जो नंबर है ना, ये 24 के क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे। यानी जो टेबल याद किए हो ना टेबल, तो टेबल में जो नंबर आता है वही क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। बताओ तो 5 का मल्टीपल्स कौन कौन होगा? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। समझ में आया? अब इसके बाद देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो देखो कोएफिशिएंट में क्या होता है कि कोई भी हम लोग एक टर्म ले लें, मान लेते हैं 20xy टर्म ले लेते हैं, है ना। तो अगर 20xy में केवल y के बारे में पूछा जाए कि y का कोएफिशिएंट कौन है ना, तो y को छोड़ के कौन कौन बच गया बोलो? 20x। यानी हम कह सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट 20x है ना। अगर इसी को लिख दिया जाए 4 × 5 × x × y और पूछा जाए बताओ 5 का कोएफिशिएंट कौन है, तो 5 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4x और y। समझ में आया? ये होता है कोएफिशिएंट। यानी जिसका कोएफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ करके बाकी चीज जो बच जाएगा वो कहलाएगा कोएफिशिएंट। लेकिन ये सारा चीज तभी लागू होगा जब गुना के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। एक उदाहरण के लिए हम पूछते हैं, बतलाओ मान लो लिखा हुआ है 5 + x² ठीक है। बताओ तो ये 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा? हाँ 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं, तो 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। ऐसा मत बोल देना कि 5 का कोएफिशिएंट x² होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? प्लस। कोएफिशिएंट, फैक्टर, मल्टीपल, ये सारा कॉन्सेप्ट तब लागू होता है जब टर्म के बीच में मल्टीप्लाइड या डिवाइड का साइन होता है। इसके बाद हम लोगों को आता है एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? एक आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट याद है ना, कांस्टेंट जो कभी नहीं बदले। जैसे 2x² - 7x + 8। तो देखो 2x² में 2 तो कांस्टेंट है लेकिन x क्या है? वेरिएबल। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट नहीं हुआ। इसमें -7x में देखो -7 एक कांस्टेंट है लेकिन x क्या है? वेरिएबल। तो ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ। लेकिन लास्ट वाला जो टर्म 8 है ये तो एक प्योर नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन में ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म।